यूपी के शिक्षा मंत्री व मुख्यमंत्री ने 2022 बोर्ड एग्जाम 10वीं और 12वीं के काफिया चेकिंग को लेकर किया एक सबसे बड़ा खुलासा। इस खुलासा को सुनते ही 10वीं और 12वीं के छात्र खुशी से झूम उठे हैं। शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री का कहना है कि इस बार 2022 बोर्ड एग्जाम देने वाले सभी छात्र छात्राओं को पास किया जाएगा। कारण जानकर आप लोग हैरान हो जाओगे। इस बार 2022 बोर्ड एग्जाम 10वीं और 12वीं की कापियां चेक होना काफी जल्दी से स्टार्ट हो गई। एग्जाम समाप्त होने के बाद तुरंत ही आप लोगों की कापियां चेक होना स्टार्ट हो गई। जैसा कि 23 मार्च 2022 से यूपी बोर्ड की कापियां चेक होना स्टार्ट हुई थी और 7 मई को सभी कापियां यूपी बोर्ड की जच जाएंगी। और इस बार कापियां काफी ढिलाई से चेक हो रही है और सभी छात्रों को पास कर दिया जा रहा है। इस दौरान यूपी के शिक्षा मंत्री ने यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के कापियां चेक करने वाले टीचर को कहा, इस बार सभी छात्रों को पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर देना है। जो छात्र कुछ लिखा है या बना बना कर लिखा है उसे 80+% और जो छात्र बहुत कम लिखे हैं और प्रश्न भी छोड़े हुए तो उनको 70+% मिल रहा है। और सरकार का ये भी कहना है कि फेल होने वाले छात्रों को बोनस नंबर देकर पास किया जाए और जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी है वो कुछ प्रश्न छोड़ भी दिया है और कुछ बना बना कर लिखा है फिर भी उसे 80+ से ज़्यादा नंबर दिए जा रहे हैं, क्योंकि हैंडराइटिंग काफ़ी ज़्यादा डिपेंड कर रहा है और टीचर हैंडराइटिंग पे ज़्यादा नंबर दे रहे हैं। वैसे तो सभी छात्रों को इस बार पास कर दिया जा रहा है। उनका कहना है कि इस बार किसी भी छात्र छात्राओं को फेल नहीं किया जाएगा। अगर वो अपनी उत्तर पुस्तिका में कुछ भी लिखा हो उस क्वेश्चन से रिलेटेड तो उसे पास कर दिए जाएंगे। और साथ ही साथ इस बार शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों का कहना है कि इस बार सभी छात्र छात्राओं को एक अच्छे नंबर से पास किया जाएगा और किसी भी छात्र छात्राएं जो भी कुछ भी लिखे हुए उन पे नंबर मिलेंगे उत्तर पुस्तिका पे और उन्हें पास अच्छे नंबर से किया जाएगा, क्योंकि इस बार होगी प्रधानमंत्री की चुनाव, इसलिए सरकार ने सभी छात्रों को पास करने का निर्णय लिया है। क्योंकि कोरोना के प्रकोप के कारण सभी छात्र छात्राएं अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं किए हुए इसलिए काफी ढिलाई से चेक हो रही है। अगर छात्र छात्राएं कुछ भी लिखे हुए तो उन्हें नंबर दिया जा रहा है और इस बार सभी को पास करने का भी फैसला लिया गया है। और सरकार का ये भी कहना है कि इस बार 2022 बोर्ड एग्जाम 10वीं और 12वीं के कापियां चेक करने वाले टीचर बिना आंसर शीट लिए ही कापियों को चेक करेंगे और छात्रों को पूरे के पूरे नंबर देते जाएंगे और वो पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर लाएंगे। इस बार यूपी बोर्ड ने सभी बोर्ड के रिकॉर्ड तोड़ दिए, क्योंकि यूपी बोर्ड में सभी छात्रों को पास किया जा रहा है और ज्यादातर छात्र यूपी बोर्ड में पास हुए हैं। इस बार यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 10वीं और 12वीं के कापियां काफी जल्दी से चेक हो रही है और काफी तेजी से चेक हो रही है, इसलिए आपकी रिजल्ट आने की बहुत जल्दी संभावना है। आपकी रिजल्ट यानी कि 7 मई को कापियां चेक होना बंद हो जाएगी, सभी कापियां चेक हो जाएंगी, तो इसलिए आपकी जो रिजल्ट है वो 24 और 25 मई को पूर्ण संभावना है आने का। तो आज के इस खबर में इतना ही। आपको इसी तरीके से लेटेस्ट बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड किसी भी प्रकार की न्यूज चाहिए तो आप लोग तुरंत ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली इस चैनल पे आपके लेटेस्ट न्यूज आते हैं बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। तो आप लोग तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।